नमस्ते मेरे दोस्त, मैं हूं अभी अयोध्या में, अयोध्या का भ्रमण कर रहा हूं, तो आप सभी को जय श्री राम। रात्रि का समय है और मैं अभी अयोध्या के चारों ओर घूम रहा हूं, जगह जगह देख रहा हूं क्या है क्या नहीं है, तो विस्तार से मैं आपको इस बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। काफ़ी आप जब आप आते हो अयोध्या में तो आपको ऐसा लगेगा कि सच में प्रभु का प्रवास था यहाँ पे। जितने भी बिल्डिंगें आप देखोगे वो सारी की सारी 500-600 साल पुरानी लगती है यहाँ पे। इतने पुराने पुराने भवन ग्रह मैंने देखे यहाँ पे भी। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इसके पीछे में भी एक भवन है, वो काफ़ी बड़ा है और कहा जाता है कि राजा दशरथ जी के जो महंत होते थे उनको उन्होंने ये भवन दिया हुआ था। यहाँ पे कनक भवन भी है। कनक भवन को माना जाता है कि माता कैकेयी जो थी वो सीता जी को मुंह दिखाई के रूप में उन्होंने कनक भवन को गिफ्ट किया था, उपहार में दिया था। यहाँ पे दशरथ भवन है जहाँ पे उनके पूरे परिवार प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान भरत वगैरह जितने भी हैं सभी लोगों के मूर्तियाँ वहाँ पे बनी हुई है। और यहाँ पे आप थोड़ी दूर जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको सीता रसोई मिलेगी। सीता रसोई में आपको भोजन मिलता है, बहुत सारे लोग यात्री लोग या फिर जो भी अयोध्या वासी है वहाँ पे जाके भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको कॉस्टली आता है, थोड़ा सा पेड होता है, वो बिल्कुल एक नॉमिनल अमाउंट होता है। अभी मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ, वहाँ जाऊँगा तो उसकी एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन यहाँ पे एक सिमिलरली राम की रसोई है, राम की रसोई में प्रतिदिन 5 से 6 हज़ार लोगों का भोजन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, निःशुल्क सेवा है। कोई भी यात्रीगण वगैरह आते हैं तो यहाँ पे भोजन ग्रहण कर सकते हैं। राम की रसोई का प्रसाद कोई प्रसाद नहीं है, एक भावपूर्ण भोजन है जिसमें आपको मिलते हैं पूड़ी चावल दाल सब्जी पापड़ चिप्स, ये सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, साथ में मीठी चटनी भी देते हैं। जब पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा खाना सबका, उसके बाद ये दोबारा भी आते हैं, अगर किसी को किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो वो भी पूरा करते हैं। राम की रसोई खुलने और बंद होने का समय है 11:30 से 3:30 बजे तक। ये बहुत अच्छी पहल है। आपने तिरुपति के लड्डू के बारे में ज़रूर सुना होगा, यहाँ पे भी रघुपति लड्डू प्रसादम करके एक शॉप है जहाँ पे आपको तिरुपति का लड्डू मिलता है। मैंने सिर्फ चखने के लिए यहाँ पे 16 रुपये का एक लड्डू लिया था, 315 रुपये के आसपास आपको आएंगे अगर आप 1 kg लेते हैं तो। अगर आप तिरुपति के लड्डू अभी तक नहीं खाए हैं तो यहाँ से खा के उसका स्वाद ले सकते हैं। दशरथ भवन में बहुत सारे छोटे छोटे कोठरी बने हुए हैं, कक्ष बने हुए हैं जिसको बड़े बड़े अक्षरों में कोठार लिखा गया है। कहा जाता है कि पूरी की पूरी जो अयोध्या नगरी थी वो राजा दशरथ जी ऑन करते थे, और यहाँ पे सभी चीज़ें थी जिनके अलग अलग भवन थे, जैसे कैकेयी का भवन, दशरथ जी का भवन, राम जी का भवन, राम जी का गर्भगृह, यहाँ पे बहुत सारे जितने भी उनके परिवार हैं सबके अलग अलग भवन महल हुआ करते थे, रहने के लिए जगह हुआ करती थी। अभी वो पूरा बाउंड्री हुआ करता था, एक पूरा कैंपस हुआ करता था, लेकिन सब कुछ टूट चुका है। मैं हूँ अभी अयोध्या में और इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक चौक की, वो है श्री लता मंगेशकर चौक। यहाँ पे सबसे अट्रैक्ट जो करने वाली चीज है वो लता मंगेशकर जी की वीणा है।
जो वीणा सरस्वती माँ भी यूज़ करती थी, और एक स्वर संगीत ये जो चीज़ें हैं उनको लेकर के ये स्टैचू को बनाया गया है। काफ़ी बढ़िया है, यू नो, एक 40 फुट की स्टैचू है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है, जो कि आदित्यनाथ योगी जी ने किया था। पीएम मोदी भी उस दिन लाइव आए थे और अपनी एक वीडियो मैसेज भी दी थी। अभी इधर राम पथ पे भी बहुत सारे काम बाकी हैं, ये देखिए। अभी ये सारे वॉल हैं जो खाली है। पूरा 1 किलोमीटर का ये राम पथ है, जहाँ पे ऐसे बहुत सारे वॉल बने हुए हैं जिसमें बहुत सारे रामायण के जो छन हैं वो पेंटेड हैं। बहुत अच्छी बात है, यू नो, पूरा एक कल्चर बनाने की कोशिश की गई है। ये जो चौक है ये लता मंगेशकर जी को एक ट्रिब्यूट है। काफी अच्छी है, काफी पुराने गाने बजते हैं, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के। बहुत मजा आता है, यू नो, आप वहाँ पे कई टाइम तक बैठ सकते हो, फोटोज ले सकते हो, वीडियोस ले सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। आप सरयू नदी पे आओगे तो आपको एक बहती नदी दिखाई देगी, चारों साइड से बहुत ही अच्छी सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे घाट नंबर 40, घाट नंबर 31, घाट नंबर 39, मतलब बहुत ही बड़ी घाट है, बहुत सारी जगह से ये बहती है। और यहाँ पे आप बहुत सारे लोग होंगे जो गरीब लोग होते हैं, जो मतलब ऐसा बेगिंग वगैरह करते हैं, वो लोग यहाँ पे अपना टेंट लगा के रहते हैं, अपने फैमिली के साथ में रहते हैं इस नदी के किनारे में, यहीं पे रात में सोते भी हैं और यहीं पे अपना जीवन यापन करते हैं। शाम होती है, यहाँ पे आरती वगैरह भी होती है, आप आके यहाँ पे बैठोगे तो आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। अयोध्या में आने के लिए बहुत सारी जगह है जो आपको अट्रैक्ट करेंगी, और बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। जो हर चीज़ें किसी न किसी प्रकार के आस्था से जोड़ती है। ये पूरी की पूरी जन्मभूमि है, जहाँ पे राम, दशरथ जी, सीता माता, लक्ष्मण, हनुमान, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे, और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।